दोस्तों पठान और जवान के बाद लोग ये भी कह रहे थे कि जो डंकी शाहरुख खान की फिल्म है ये भी फिल्म 500 करोड़ 600 करोड़ का बिजनेस करेगी, लेकिन जब से प्रभास की फिल्म सलार इसके साथ में आ रही है तो सभी लोग इसी बात को लेकर चर्चा में है। क्या फिल्म दोनों फिल्म ये सुपरहिट हो पाएगी? क्या ये दोनों फिल्म 100 करोड़ 200 करोड़ का बिजनेस कर पाएगी? यही अभी के टाइम पर पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंड बना हुआ है। जो भी एक्टर हो गए, जो भी डायरेक्टर हो गए, इसी बात पर रिएक्शन दे रहे हैं, क्योंकि शाहरुख खान दो बहुत ही बड़ी फिल्में दे चुके हैं। उसके बाद जो उनकी फिल्म सलार है प्रभास की, वो भी प्रशांत नील की फिल्म है, जो KGF और KGF 2 जैसी फिल्में निकाल चुके हैं। और लोगों का कहना है कि सलार भी बहुत ही अच्छे कंटेंट पर बनी है और बहुत ही बड़े स्तर पर उसे शूट किया गया है। इसी पूरा मामला देखने के बाद जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस काजल है, उनका बहुत ही बड़ा बयान आया है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि शाहरुख खान किंग है और ये डंकी फिल्म भी 1000 करोड़ का बिजनेस करेगी। भले उसके सामने कोई भी फिल्म आ जाए, कितने भी बड़े हीरो की फिल्म आ जाए शाहरुख खान के सामने, लेकिन अभी शाहरुख खान के जो क्रेज बना हुआ है, जो फैन फॉलोइंग अभी के टाइम में बना हुआ है, उसे तोड़ पाना किसी भी हीरो की बस की बात नहीं है। तो दोस्तों हम लोग फिल्म की बात करें तो शाहरुख खान की जो डंकी फिल्म है वो 22 दिसंबर दिन आ रही है, उसी दिन प्रभास की फिल्म सलार भी आ रही है। और वहीं शाहरुख खान की फिल्म जो डंकी एक कॉमेडी फिल्म है और सलार जो फिल्म प्रभास की है वो एक्शन से भरपूर फिल्म है। लेकिन आपको तो मालूम है कि अभी के टाइम पर एक्शन से भरपूर फिल्में ही चल रही है। जवान शाहरुख खान की एक्शन से भरी फिल्म हो गई, या पठान हो गई, या KGF हो गई, या RRR, सभी फिल्मों में बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन था, इसके चलते वो फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। अब इसके बाद जो सलार फिल्म है इसमें भी एक्शन से भरपूर फिल्म होने वाली है, तो लोग ये कयास लगा रहे हैं कि शाहरुख खान की डंकी फिल्म इस समय बिट जाएगी, क्योंकि सलार पैन इंडिया रिलीज हो रही है, पूरे हिंदी के साथ साथ कोई और भाषा में, लेकिन शाहरुख खान की डंकी फिल्म ओनली हिंदी रिलीज हो रही है। तो पूरी तरह से कहना गलत नहीं होगा कि शाहरुख खान की फिल्म डंकी के सामने सलार पिट जाएगी, लेकिन ये भी पूरा उल्टा मामला देखने को में लग रहा है। तो कहीं आप बताइए सबसे पहले तो ये कमेंट में कि आपने जवान और पठान फिल्म देखी थी, और दोनों फिल्म देखी तो क्या आप शाहरुख खान की डंकी फिल्म का वेट कर रहे हैं? कमेंट में बताइएगा। और ऐसी मजेदार वीडियो के लिए चलो सारे वीडियो को लाइक करिएगा। तो मिलते हैं अपडेट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, टेक केयर।